इस वक्त हम माँ शुक्राला के दरबार में। सवा रुपया दक्षिणा दीजिए, वहाँ रास्ते में खर्च कर लेना, अपने घर चले जाओ। फिर वाणी का मंत्र है श्रीनगर, वहाँ से फिर वाणी मंत्र में आ गए तो उन्होंने देखा घर जाके मैं क्या करूँगा। एक साल तपस्या की, या पाठ करना, हवन सामग्री जो सवा रुपया दिया था उन्हें खर्च नहीं किया, उन्होंने कहा उसकी हवन सामग्री बाजार से ले ली। जब अशुकन रहते हैं तो उन्होंने एक स्थान पर बैठ करके पूरा सामान रख लिया। नवा नाता आया तो उन्होंने हवन नातों में हर कुछ चलता रहा। जब सामग्री खत्म हो गई उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने शरीर
अपने स्वर्ग खत्म हो गए, अपनी टांगे काट काट करके उन्होंने होते थे। जब टांगे बेकार हो गई तो उन्होंने अपने सिर की पूजा की, नारियल नहीं मिला, सिर की पूजा की कि मैं पूर्णोति दे दूंगा। उन्होंने खंडा लिया, गर्दन काटने लगे, सारका भवानी के मंदिर में श्रीनगर में, तो उन्होंने खीर भवानी उधर उन्होंने दुर्गा ने हाथ पकड़ के हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा भरपूर भर मांग, उन्हें चार बार दीजिए। उन्होंने कहा मुझे कोई दुनिया में कोई पदार्थ नहीं चाहिए, जा चार बार दिए जा कभी हो। उन्होंने कहा कविता लिखे करके क्या करूँगा मैं, तांत्रिक हो मैं सच्चे झूठे मंत्र मारूँगा। उन्होंने कहा वैद हो गंदे काम करूँगा। उन्होंने कहा या पंडित हो दान लूँगा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा हमारी जो वायदा किया हमारी तीसरी पीढ़ी में प्रवेश करना हो, जो हमारी औलाद होगी आपका दिया खाएगी, आपकी सेवा करती रहेगी। माता ने तस्तु किया, लोप हो गई, उनका जो श्री काटो वो सब ठीक हो गया। तो वो पता नहीं कितने दिन पैदल रास्ते थे बसोली में चले गए, बसोली को जाकर के उन्होंने एक दो महीने या चार महीने आराम किया। तो उन्होंने माता ने सपना दिया कि जहाँ फलानी फलानी जगह पर हूँ मैं, वहाँ आओ मेरी पिंडी है, उसे पिंडी निकालो। तो वो उन्होंने माता को जहाँ बोली हाथ से पीछे निकालना शुरू किया, मेरे आप सब पिंडी माता के उनके हाथ में आ गई। उन्होंने देखा माता को भूख लगाया सब कुछ है, उन्होंने चार पत्थर लिए जहाँ स्थापना कर ली। स्थापना कर ली तो वो रोज़ बराबर चले जाते थे, रोज़ बराबर से आना, रोज चले जाना, यहाँ रहने का कोई साधन नहीं था। ऐसे करते के बहुत समय हो गया। चंपिका राजा था मेर सिंह, उसका जो चचेरा भाई था उसने निकाल दिया था उसको, उसका राजपाट छीन लिया था। जब राजपाट छीन लिया तो वो विकार हो गया, उसकी बूगा रहती थी जहाँ बिलावर में, तो अपनी बूगा के पास रहने लगा। जो बिलावर का राजा था उसे इजाज़त लेके मैं शिकार खेलने को जाना है, आज जाओ। वो सारा दिन राजा भटकता रहा, उसको शिकार नहीं मिला। इस रास्ते से इस जंगल से जा रहा था तो जहाँ भेड़ बकरियाँ थी उसने 140 बकरा मारा, बड़ी बकरा मारा, राजा को तकलीफ पीड़ शुरू हो गई, बड़े बड़े अफीम उगाए, कोई इलाज नहीं उसका हुआ। पंडित जी रहते थे सिमनंदन जी बिलावर महलों में, वो ऐसी पचोल पे गए, राजा बीमार हो गया, राजा बीमार हो गया। उन्हें अपना दूध भेजा, पंडित जी को बुलाया, रात का 12 बजे का टाइम था। तो उन्होंने कहा क्या बात है, चंपिका राय बहुत सबसे विचार है आपको बुला रहे हैं। तो पंडित जी उठे, उन्होंने कपड़े कपड़े लगाए अपने चले गए, मोर पे खंग होते हैं ना, मोर का फांडा करना शुरू कर दिया, राय को पीठ शांत हो गई। सुबह इधर आ गए जहाँ चेला था, एक वो जल्ला था, 50 साल उसकी उम्र थी, जल्ला था, वो बातें नहीं करता था। तो इधर वो उसको पौन आ गई, जब माता को धूप दिया पौन आ गई, तो जय राम जय राम जय राम करने लगा। उन्होंने कहा बहुत क्या बात है, जो राजा 140 बकरा मार के गया है, या तो मेरा भवन बढ़ाए या तो मेरा 140 बकरा तब छोड़ूंगी, मारूंगी नहीं तब मैं छोड़ूंगी। तो ऐसे करते करते उसने राजा को बताया, उन्होंने कहा हाँ मैंने शिकार तो किया है। वो माता कहती है मेरा मंदिर बनाओ, हाँ मैं ये वायदा करता हूँ जब मुझे राजपाट मिल जाएगा मैं मंदिर भी बना दूंगा, बकरा भी दे दूंगा। उन्हें जब राजा को इतना पता चला कि हो सकता है, राजा ने एक शर्त रखी कि मुझे माता का दृष्टांत दिखाओ जिससे मुझे निश्चय हो, यकीन हो, विश्वास हो। चेले ने बोला जाए जहाँ सूर्य का बूटा है सूखा सुबह को हरा भरा हो जाएगा तब मानेगा, हाँ मानेगा। राजा ने जहाँ जगराता रखा, जगराता करते करते रात और सुबह हो गई तो बूटे को कंकर पड़ गई, तो राजा को निश्चय हो गया, वो अपने से अपने घर चला गया। द्रौपदी है ना, द्रौपदी के पास जा रहा था तो उसको संदेशा मिला कि जो तेरा भाई है वो चेरा वो स्वर्गवास हो गया, कि उनका संस्कार करो, अपना राजभार संभाल। तब राजा ने राजभार संभाला, तब बोल सांचे दरबार की जयकारा, शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। पूरे विश्व की कुल देवी है माता, तो जो भी यहाँ श्रद्धालु जिस भाव से आते हैं माँ उसकी इच्छाएँ परिपूर्ण करती है, और हर क्षेत्र में ये इसकी पूजा की जाती है। वैष्णो देवी के दरबार के पुजारी भी यहाँ आकर नमन करते हैं माँ भगवती को, जो भी जिस भावना से आता है माँ उसकी इच्छाएं परिपूर्ण करती है, आशीर्वाद प्रदान करती है और पूरे विश्व में सुख शांति प्रदान करती है। तो जैसे यहाँ पे जो श्रद्धालु है कहाँ कहाँ से आते हैं? पूरे विश्व, पूरे कुल की देवी है, पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं।
जो जो यहाँ पे माँ के पावन दरबार में जो मेला लगता है उसका समय क्या और कब होता है? जो माँ का पर्व मनाया जाता है बैसाखी वाले दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, रात्रि को जागरण होता है भगवती का, विशाल भंडारा होता है, तो दिन रात लोग आते रहते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रों में भी भारी जो मेला हमें देखने में तो बाजार रहता ही है, लेकिन जो मेन माता रानी का उत्सव मनाया जाता है वो बैसाखी वाले दिन होता है। ठीक है जी। तो पंडित जी अपना शुभ नाम हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए। मैं पंडित राम प्रसाद शास्त्री जी, ये रमेश पुजारी जी जी और प्रदीप पुजारी जी हैं, जोगिंद्र पुजारी जी हैं, चार पुजारी जी हैं। तो मंदिर का मतलब कि ट्रस्ट भी अपना खुद का बन रखा है जो देख बोर्ड के अंडर हो गया है, मतलब ये श्राइन बोर्ड के अंडर है जी, जी, जी। तो वो श्राइन बोर्ड ही सब कुछ देख रहे हैं। आपको आज की यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय मां शुक्राला।